मैं वहशते तबीयत ईजाद यास खेज़। एक दरीना रिवायत है कि जब जब किसी तख्लीकार ने ज़िंदगी बसर करने के नए और बेहतर करीने मुतारिफ़ करवाए या फिर किसी लिखारी ने मुआशरे के दागे अयूबे नहां से पर्दा उठाया तो उसे ज़माने से रिटेलिएशन और वहशतों का सामना करना पड़ा। गालिब ने कहा कि ये वहशतें किसी तख्लीकार के लिए यास खेज़ होती, लेकिन सद आफरीन और तहसीन का खिराज डॉक्टर ताहिरा काज़मी के लिए कि जिनके यहाँ ये वहशतें यास खेज़ नहीं बल्कि हौसला अफजा बनकर उभरती। इन दिनों डॉक्टर साहिबा के कलम ने एक भूचाल और एक इज़तराब बरपा कर रखा है। ज़ाहिर है वो कलम ही क्या जो मुस्तरिब न करे, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम आज भी उसी मंटू और असमत चुगताई के मुआशरे में जी रहे हैं। एक तरफ तो डॉक्टर ताहिरा काज़मी ज़िम्मेदार लिखारी और गायनाकोलोजिस्ट होने के नाते पोशीदा रस्ते हुए ज़ख्मों को बेनकाब करती हैं, पोशीदा अमराज को नहीं, पोशीदा रस्ते हुए ज़ख्मों को, और दूसरी तरफ मुआशरा बजाय उन ज़ख्मों के मुंदमिल करने की तदबीर ढूंढने के उन्हीं पर ही दुश्नाम करता है। गुज़श्ता दिनों भी एक साहब ने वीडियो बयानियाँ जारी किया कि मैं ख़ुद भी लिखारी हूँ लेकिन डॉक्टर ताहिरा काज़मी की तहरीरों से मुखालफत करता हूँ, मैं उनका मोतरफ़ नहीं हूँ। और एट दी एंड उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि वो जो लिख रही हैं वो रियल है, विजाइनल लॉक इज़ रियल, वो जो कुछ बयान करती हैं वो बिल्कुल हकीकी है, लेकिन मैं उनका मोतकिद नहीं हूँ क्योंकि वो बड़े ख़तरनाक फेमिनिस्ट हैं। इतने अफसोस की बात है कि एक तरफ हमारा मुआशरा पहचान रहा है, देख रहा है कि ये ज़ख्म जो उन्होंने जिनकी निशानदही की वो बिल्कुल ठीक हैं और ये नासूर हैं हमारे मुआशरे का। अब होना तो ये चाहिए था कि उनको मुंदमिल करने की डॉक्टर साहिबा से ही मशवरा मांगते और उनका शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने इन ज़ख्मों की निशानदही की, बजाय ये काम करने के उनको ही बुरा भला कहा जा रहा। अब हकीकी बात तो यह है कि मेरा अपना ज़ाती तौर पर कोई मेडिकल से वास्ता नहीं है, लेकिन उनकी तहरीरों में जितने वाकयात हुए उनमें से आधे नहीं तो तकरीबन 30-40% का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। अब इससे और बड़ी क्या बात होगी। तो ये तो आज भी वही मंटू वाला दौर है ना कि सब लोग जानते थे कि मंटू जो लिखता है वो ठीक लिखता है, लेकिन उसके बावजूद उन पे केसेस चल रहे थे और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हर बंदा ये मानता भी है कि जिन जिन वाकयात की डॉक्टर साहिबा निशानदही करती हैं, उनकी तरफ तवज्जो दिलाती हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो वक़ू पज़ीर होते हैं और वो दर्दनाक हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह के कि वो तो बड़ी ख़तरनाक लिखारी हैं। अब उन पे इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि वो रस्ते हुए ज़ख्मों को देख कर ये कहती क्यों हैं कि ये ज़ख्म है। मुझे तो वो अहमद नदीम कासमी का शेर याद आ गया कि हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ज़ख्म को ज़ख्म नहीं फूल बताया जाए। मेरा तो यकीन है कि अगर आज फैज़ो फराज़, गालिब, मंटो, इस्मत चुगताई होते तो वो ताहिरा काज़मी के हाथों पे बयत कर लेते, क्योंकि ताहिरा काज़मी ने काली नहीं सुर्ख शलवारों के सानहात लिखे और लिहाफ नहीं बल्कि ज़ेरे लिहाफ पेश आने वाले वाक़यात को कलम बंद किया। ताहिरा काज़मी के कलम को सद बार सलाम कि उनके कलम की बदौलत हकूक़ इंसानियत का सर कलम नहीं होगा। फराज़ के ये मिसरे डॉक्टर साहिबा की खामा फरसाई के आईनादार हैं कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, जभी तो लोच कमा का ज़ुबान तीर की है।